इस तरह के मंगलसूत्र थोड़ा हेवी लगते हैं, बस एक के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा कुछ अलग सा वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए, और बहुत दिनों से वही ब्लॉगिंग वो सभी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, तो आज सोचा। और मेरे को एक दो कमेंट भी आए थे, ज़्यादा तो नहीं आए, पर मंगलसूत्र कलेक्शन आपका दिखाइए मैम बोल के। और मैं डेली उतना मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहनती हूँ, बस कभी वो फंक्शन होता है या किसी फेस्टिवल में ऐसे मैं पहनती हूँ। तो गोल्ड के और डुप्लीकेट दोनों भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डुप्लीकेट कलेक्शन। डुप्लीकेट इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, और डेली हम मंगलसूत्र उतना महंगे वाले भी नहीं ले सकते गोल्ड के, और उतना पहना भी नहीं होता इसीलिए, और उसमें इन्वेस्ट करना भी कुछ फ़ायदे का है नहीं। तो एक दो मेरे पास गोल्ड के भी है और डुप्लीकेट भी है मेरे पास, तो वही दिखाऊंगी। कुछ तो मैंने कहाँ रख दिए, वो मिले ही नहीं है मुझे, तो जितने मिले वही मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाऊंगी, ये वाला मंगलसूत्र, और साइड में भी मैं पिक्चर में भी वीडियो भी छोटा सा शेयर कर दूंगी साइड में, तो आप उसमें भी इसका पूरा लुक देख सकते हैं। तो ये वाला एक मंगलसूत्र है जो कि सब पे ही चले जाता है ये। तो ये इस तरह का है, ब्लैक मनी और अंदर एक तार वाला है। तो ये मैंने लिया था 50 रुपीज़ में, और ये अंदर स्टोन है जो कि दूर से देखोगे तो आप ओरिजिनल जैसा ही लगता है, और सूट पे हो या साड़ी पे हो सब पे ये डिज़ाइन चले जाती है, इसलिए ये वाला मैंने लिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है डिज़ाइन, तो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह का है, साइड में भी आप देख ही सकते कैसा दिख रहा है। और सेकंड जो है मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दिखाती हूँ ओपन करके। तो नेक्स्ट जो है इस तरह का है जो कि स्टोन का ही है। मुझे इस तरह के जो मंगलसूत्र है बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं सोच रही हूँ बाद में कभी गोल्ड का जो है इस तरह की डिज़ाइन बना लूँ, तो सब पे ही चले जाएगा। तो ये इस तरह का है, नीचे एक स्टोन दिया है सिर्फ, और पूरा मोतियों का जैसे, तो ये ऐसा दिखेगा पहनने के बाद, और बहुत ज़्यादा क्लासी भी लगता है और सब पे सूट हो जाता है, इसलिए ये लिया मैंने। और ये लिया था मैंने 100 रुपीज़ में स्टोन की वजह से, अच्छा है भी। और नेक्स्ट जो है ये जो साड़ी पे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ये वाला इस तरह का एक है। और इस तरह के मंगलसूत्र थोड़ा हेवी लगते हैं, बस एक पहन लिया तो भी सब पे, बाकी कुछ पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये वाला एक, जो कि इसकी डिज़ाइन जो है बहुत प्यारी है, और अंदर जो है एक मोर भी बना है इसके अंदर, तो ये इस तरह का है, और ये भी पहनने के बाद बहुत ही क्लासी लगता है। तो ये मैंने एक लिया था बहुत दिनों बाद, जो कि 200 रुपये में कुछ लिया था इस मंगलसूत्र को मैंने, तो ये एक हो गया। और ये एक है मेरे पास जो कि एकदम सिंपल है, पतली सी चेन वाला है, और थोड़े से काले मनी सिर्फ नीचे दिए हैं, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंपल है और अच्छा लगता है इस तरह के। तो अभी गोल्ड का एक महीने पहना है जो कि ये इसी डिज़ाइन है। अभी मैं मुझे वैसे काली मनियों का क्या था, पर बाद में मैं मुझे अच्छा नहीं डिज़ाइन लगा, तो मैंने इस तरह का एक बना लिया, और इसका जो पास का डिज़ाइन है मैं साइड में लगा दूंगी, तो आप देख लेना। तो ये बहुत प्यारा भी है और सबको भी पसंद आता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो लेडीज़ लोग पूछते कि ये मंगलसूत्र आपने कहाँ से किया था, तो मुझे भी बहुत पसंद है। ये दो तोले के आसपास ही है, थोड़ा कम है शायद, मुझे उतना अभी याद नहीं है। तो ये अच्छा भी लगता है, और ये भी सूट पे भी चले जाता है, साड़ी पे भी अच्छा लगता है, तो इस तरह का ये मंगलसूत्र है। नेक्स्ट जो है मेरे पास ये लंबा वाला एक मंगलसूत्र है, पास से दिखाती हूँ, ये इस तरह का है, जो कि ये महाराष्ट्रीयन मंगलसूत्र है। ज़्यादातर महाराष्ट्र की जो लेडीज होती है ऐसा ही डेली ऐसा लंबा वाला मंगलसूत्र पहनना पसंद करती है, तो मैंने ऐसे ही बनवा लिया था पहले, तो ये ऐसा ही रखा है। मैं कभी ज़्यादातर पहनती नहीं हूँ उसको, पर अच्छा लगता है ये भी पहनने के बाद,
तो ये मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो ये ऐसा लगता है पहनने के बाद, और अच्छा लगता है, एकदम मस्त लगता है, सिंपल। और साड़ियों पे और सूट प्लेन वाले रहे तो उसपे ऊपर तो एकदम मस्त लगता है। तो ये ऐसा है। तो इतने ही मंगलसूत्र थे, और दो तीन जो है मैंने डुप्लीकेट जो गोल्ड वाले रहते हैं जो पॉलिश करे वाला, वो कहाँ रखा है कि मुझे मिल नहीं रहा है। तो अगर कभी दिखा तो मैं ब्लॉग में वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ऐसा वीडियो आपके साथ शेयर करूँ बोल के मैंने ये वीडियो शूट किया। आई होप सो कि आपको मेरे मंगलसूत्र कलेक्शन अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगा तो मेरा जो गोल्ड का कलेक्शन है पूरा, इयर रिंग्स जो गंठन वगैरह सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट करना तो मेरा पूरा गोल्ड का कलेक्शन जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह के मेरे गोल्ड के मंगलसूत्र दो है, और बाकी जो है डुप्लीकेट ही थे जो कि मैं कभी कभी वेयर करती हूँ इसीलिए। और मुझे और भी दो तीन मंगलसूत्र अलग अलग लेना है जिससे कि मैं कभी कभी पहन पाऊँ। तो इस तरह का मेरा सिंपल सा गोल्ड का और डुप्लीकेट वाला मंगलसूत्र कलेक्शन था। तो आपको कैसा लगा वीडियो? आई होप सो कि अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट करना कि आपको मेरा गोल्ड कलेक्शन देखना है क्या, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।